हाँ जी अफतारी का टाइम हो चुका है। चलो बच्चों खान दे कोई नहीं, चल खा लो, चल खा लो। अस्सलामु अलैकुम जी, गुड मॉर्निंग बेगम साहब। जेड़ा है ना झाड़ू वगैरह दे रही अब्दुल हादी साहब दे को थल्ले फिरदा है। माशाल्लाह आज दिन जेड़ा है ना बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी देर ठहर के पता नहीं की हो जाए, कोई पता नहीं है, लेकिन हुण ते ना बिल्कुल साफ सुथरा है। और अज है जी माह रमजान का पहला रोजा। माशाल्लाह अब्दुल हादी साहब ना तंग करता फिरदा है, और बेगम साहब कह रही अज मैं ज्यादा तंग नहीं करना, मैं रोजा रखा हुआ है। साडा किचन मुकम्मल हो जाता ना तो माशाल्लाह अफतारी करन दा ना मज़ा ही अलग होना सी, क्योंकि ना बड़ा मेरा मसलन एक प्रोजेक्ट हैगा सी कि किचन माह रमज़ान तो पहले पहले जेना किचन मुकम्मल करना, लेकिन बारिश एक मौसम ख़राब हो गया और दूसरा फिर घर के काम तुहानू पता है काफ़ी ज़्यादा। मैं भी उधर चला गया सी साहिवाल कल, सारा दिन उधर निकल गया, फिर पट्ठे वढ़ पा काफ़ी समझ लो कि सारा दिन जेड़ा कि ना बिजी ही हो जाए। किचन कंप्लीट हो जाता तो इन्ना प्यारा लगना सी ना जिमें उस जगह तो लग रहा, देखो इन्नी सारी जगह कंप्लीट हुई है। अपना वैसे तजर्बा जेड़ा है ना बड़ा सक्सेसफुल रहा है, बेहतरीन है, जो अचीवमेंट नहीं पाई खुश्क हो गया ना बिल्कुल। ये जेड़ा है ना जिनी मर्जी बारिश हो सीमेंट असि मिक्स किया मिट्टी के बिल्कुल इवें समझ लो कि यह जिमें ना सीमेंट ना पलस्तर हो जाता इस तरह होया पाया। कल इन्नी बारिश होती रही है कोई इन ज़रा सा फर्क ही नहीं पाया, बल्कि मजीद सुबह वेख्या ना तो तराई हुई ना सीमेंट सीमेंट तराई हो, बल्कि ज़्यादा मजबूत होया पाया बेहतरीन। उपर तुम लेयर एक ना नज़र आ रही चमक रही होगी, देखो ना यह चमक रही है लेयर जी, ये सीमेंट की वजह तो यह मैं तो दस रहा। मैं रात वाले ब्लॉग से दसिया कि काफ़ी सारे बहन भाइयों के कमेंट आ रहे थे जो तुम लिपाई कर रहे थे नवाज़ भाई बारिश होगी तो इनका की हाल होगा, कोई टेंशन नहीं है बारिश, हाँ अगर कोई ज़्यादा तेज़ हैवी किस्म का तूफान वगैरह आवे ना जो मसलन हवा भी शदीद किस्म की नाल चली होंगी है और उस अलावा बारिश भी तेज़ होंगी और फिर जंप पैंदी है ना जोर दी छिट्टां वगैरह वजदी ने, फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत किचन का नुकसान हो, लेकिन इंशाल्लाह हुंदा कुछ नहीं है क्योंकि इनकी जी ना मजबूती काफ़ी ज़्यादा की है। बैंस के पट्ठे बिल्कुल खत्म होए पे ने, मिस्त्री भाई आ जाता ना तो कम से ला के ना फिर चलते हैं, सब तो पहले पट्ठे वगैरह वढ़ के रख लें अज टाइमो टाइम ही, और अज ना मिस्त्री फोन करने कि अपने आ के तोते लै जाए क्योंकि इन्हों की ना हूँ खाना वगैरह तो इन्होंने पाए मसला कोई नहीं, लेकिन अला सैटअप जरा ना कंप्लीट करने। रात को कमेंट से कि नवाज़ भाई पुरानी मशीन है तुम कपड़े धोते थोड़े को नवी है जी, सही नवी हाले तक नवी नवी पई है, नवी हाले तक नवी नवी पई है, तो पुरानी मशीन का है कि इनू एक बार खराब तो है नहीं बिल्कुल सही सलामत बेहतरीन चलती है। हाँ उही ना पहले खराब हो रही थी रोज़, तो जो नवी आ गई हूँ भी खराब नहीं हो रही, असं की करिए चाह रहे हैं कि यह हूँ खराब हो असी जी नवी इस्तेमाल करिए, इवें बिला वजह इन जरा ना रखना भी सही नहीं है। बारिश होने की वजह तो माशाल्लाह ना चेक करो जो दरख्त है ना बिल्कुल खुश्क, थोड़े बहुत ना हरे भरे होना शुरू हो गए हैं, मौसम बहार यानी दरख्त वगैरह जोड़े है ना माशाल्लाह ग्रो करने शुरू हो गए हैं, फुटने शुरू हो गए हैं। लैबा तो ईमान फातिमा ने ना अपने ना कमरे बना लेने, ए चेक करो मैं तुम दिखाना रात भी खेल रही थी अपनी गुड्डियां पे लैबा दया, देखो सुला के गई है सुबह सुबह, ए देखो ए बैड बनाया हुआ बैड चेक करो तुम, ए मेरे ख्याल है लैबा का कमरा, तो एला कमरा भी लैबा का, ए आला जो कमरा है ना ये ईमान फातिमा का, ईमान फातिमा का एक बैड बनया पे एक और बैड बनया पे। तेरा केड़ा कमरा है, है? है तेरा कमरा है, अच्छा ये कह रहा मेरा है कमरा। खरगोशा लिया के पट्ठे पाने, हाँ भी खाने ने पट्ठे क्यों बई, लगता है इन्हों ने ना बानो तरह ना पट्ठे ही खाद रहना, बानो कद नहीं भुल जो जरा लगना इन्हें मैं ना हंसता हंसा बानो पका दिता, इन्हें पट्ठे खाई जा रहे कद बच्चे वगैरह जो दे ही नहीं रहे, हालांकि खरगोश वगैरह जोड़े है ना हालांकि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर दो रख लो ना तो टेबल आ दें बच्चों के खरगोश ही खरगोश हो जाए, लेकिन पता नहीं साड़ी किस्मत है कोई नहीं कि चक्कर है एक बच्चे ही हाले तक नहीं किसी खरगोश नहीं दूसरी तीसरी बारी रखे ने, थोड़े जे पट्ठे जे वड्डे ने दोपहर के नाश्ते वास्ते माझ ने, और शाम को फिर वटांगे वापस आए इंशाल्लाह वापसी तक तो शिताला वड़ना है खरगोशों वास्ते, खरगोशों ने भी पट्ठे पाते ने, शौकी भी खा रहा और माझ किन्नी गली खड़ी है क्योंकि बारिश हुई ने ठंड की वजह तो ज़्यादा चिक्कड़ हो गया सी,
झाड़ू वगैरह मार के खुश तो होया पे। ए बार पता क्यों निकले खड़े ने, ये भी दिल करता पे कि सानू जेड़ा कहना पट्ठे पा, ये भी बड़े शौक नाल पट्ठे जेड़ा कहना खाते ने, इवें गल पट्ठे खाते हो। टाइम तकरीबन 3 बज चुके ने और बेगम साहबा ने अफतारी की तैयारी ना शुरू कर ली है। मटर तो असी कल ही तुम पता कढ़ के रखे हुए सी और हुण मैं लैके आया गोश्त वगैरह और बाकी फ्रूट वगैरह लैंदा फ्रिज च रख दिता। चावल किन्ने पकाने लगी है? किलो चलो किलो बड़े ने। बच्चों जोड़ा है ना टाइम ना, अज छुट्टी हो गई है। अब्दुल हादी की खा रहे हैं? माल्टे। अब्दुल हादी ने तेरे अपना रोज का जोड़ा है ना अफतार ही कर लिया। पूरा घर एक साइड से ते ऐ जेड़ा मुंडा है ना तंग करन नु एक साइड ते ऐ देखो हुण ओ फोन ते चला ले जा पिछांट पिछांट। अगले दिन आइए ने पौड़ी जी डेक के ते सारी जेड़े अगे ना बूटे तोड़ दिते सी। हुण अंदर मिस्त्री दी ओ की सदने ओ ताक करके गया ते रेग मार चा के रगड़ता मसा उन्नू जेड़ा अगे ना बजाया। ध्यान रखना तो ना खास गीता तक बच्चे स्कूल ना ना गया ए सापा में नहीं तंग करना। कवे जेड़े अगे ना बोली जांदे ने जोर जोर ना पता नहीं बिल्ली केड़ी की उन्होंने आवाज सुन के तोते भी निकले बैठे बाहर वो भी सुन दे पैण के शाही बंदी नहीं नहीं कुछ अल्लाह खैर करती हमला कर दी है इन्होंने लेकिन हाले तक तो बचे हुए ने। सूरज बस ना कोई घंटा डेढ़ ही रह गया है और बच्चियां ने रोज़ा कोई नहीं रखा हुआ सी। बेगम साहब ने कहना कि सुबह बच्चियां ने रोज़ा रखा देनी बड़ा सफारा ही ने बड़ा। हाँ क्योंकि असल च ना बच्चियां ने स्कूल खाली नहीं जाना हुंदा, बच्चियां ने सफ़र च जाना हुंदा। समलो वो साईवाल जाते भी आते भी सफ़र के तुम पता फिर वैसे भी रोज़े की अल्लाह की तरफों इस्लाम की तरफों भी सफ़र के जोड़ा है ना रोज़े तो माफ़ी आ। और दूसरा अगर बच्चियां की खुद ही शौक है बच्चे तो कहते सर रोज़ा रखाओ लेकिन बेगम साहबा नहीं रखा बड़ा झगड़ा करता पे चांदा आप तो सारे रोजे ना कभी कोई नहीं देखो भी करता पे इतवार वाले दिन कभी से एक बार सकते नहीं असी सिर्फ ऐसे करके ना फिर बच्चियां ते भी ना समझ लो के हुन आए ने तो फौरन जेड़ा ना चावल पक्के पे खाए ना सारे लेकिन इन्हां ने सुबह रोजा रखा भी ना अगर ते सेट हो गए क्योंकि हाले इन्नी माशाल्लाह गर्मी कोई नहीं है इन्हें रखा दई अगर ते आराम सुकून ना तंग तो फिर इन्हें रखन दई ठीक है। अगर ये तंग वगैरह करन तो फिर जेड़ा है नहीं अपनी अपनी मर्जी ना बारे रखन ठीक है ना ना आप कहना कि रखो तो ना है चलो ठीक है जी इंशाल्लाह आज फिर सारे रोज़ा रखावांगे बच्चों ने भी। अब्दुल वहाब नहीं रखाना अब्दुल तू भी रोज़ा रखना है रखेगी रोज़ा? हाँ लैपम कैरी में भी रोज़ा रखा बेगम साहबा ने नोट जेड़ा है ना दो दिता है फड़ के खुश्क होया पे मेरे ख्याल है चल जाएगा है दो हिस्से हो गया चल जाएगा। शाम तो होनी वाली है और मैं चलिया जी पट्ठे वढ़न वास्ते वापसी तो आके थोड़े शताला ही वढ़ना है पहले जी है ना गंदम तो मिक्स चारा जरा ना कटाई करते हैं। नैट तो मैं देख रहा काफ़ी जगह तो गंदम की जी है ना कटाई वगैरह भी हो गई लेकिन साढ़े इलाके हाले तक गंदम ना बिल्कुल इस हालत खड़ी जिमें खड़ी हुई है सारिया दारिया सबज खड़ियाँ पता नहीं वो केड़ा केड़ा इलाका है गल कमेंट करके दसोगा हाले साढ़े इलाके तो इस तरीके की गंदम खड़ी हुई है लेकिन माशाला गंदम तो है भी बड़ी जबरदस्त ही लेकिन ये स्पैशल ना ये खाने वास्ते नहीं गड्डी गई सी स्पैशल गड्डी भी इन्हों मसल मझा वगैरह पाने वास्ते और हूँ ना एक ना दात्री नवी लै ही लीए बिल्कुल ना खत्म हुई पई है। बाई जड़ा है ना बकरियां चरांदा फिरदा पट्ठे में वड लेने लेकिन मसला हो गया अब्दुल रहमान चकावण वास्ते भी आया लेकिन ना आज पट्ठे काफ़ी ज़्यादा वड बैठे हैं और चकींदे नहीं पे हूँ बेगम साहबान बुलाया आ जाती तो फिर अब्दुल रहमान तो दोनों जने चकावणगे काफ़ी ज़्यादा वड्डी पंड अज वड लीए
बेगम साहबा आ तो रही है लेकिन आ मठा 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 रही। दिन तकरीबन तकरीबन गरूब हो चुका है, अफतारी का टाइम हो गया और ईमान फातिमा झाड़ू दे रही है। पट्ठे आ गए सी अफतारी तो बाद ना हूँ पट्ठे वगैरह कुतरांगे। शहर गया सी फ्रूट वगैरह सारा कुछ लैके आंदा है, जिहड़ी अहम चीज़ सी ओह लै ही नहीं आंदी, खजूरां खजूरां नहीं लैके आंदियां अज। बेरोज़गार सारिआं तों पहले आ गए, मैं ईमान दी नहीं गल इहदी गल करदा पिआ, इह जिहड़ा आ के बह गया की खाने ने अगे तू फ्रिज तो वेली तू की है, फ्रिज तू खाली की है, एक चाया केला तू सारी फ्रिज खाली कर गया मैं क्या बेरोजगार आया बैठा इन दमी रोजा रखा इन्हें चार बार रखना दिहाड़ी च चार बारी तोड़ना रोज हाले अवतार होया नहीं तकरीबन मेरे ख्याल दो तीन मिनट पे ने। लैबा की कह रही है तू की चाह के चला जस इस वास्ते बैठे ने थले कर जगह नहीं मुंह पाई कमला असि जी इंतजार कर रहे हैं। और साडा कैमरामैन जिहड़ा हैगा ना भज गया अब्दुल रहमान साहब बाहर पता नहीं कित्थे गया, हुण मैं कोहनूं सद्दण जावां ते लेट हो जाएगी, इस करके कैमरामैन अज जिहड़ा हैगा ना मैं ही बणिया होया, मेरे बैठण दी जगह वी इन्हां नहीं छड्डी। कोशिश करना कि सुबह इनशाला ना, मैं अगे सुबह ही दस रहा सुबह इन्हू ना कंप्लीट करांगे इनशाला, असी परली अद्धी साइड रह गई ना ज़्यादा फिर प्यारी लगेगी बेहतरीन। अलहमदुल्ला पहला रोज़ा सी, मैं अगर तुम दस रहा खजूर लियानिया भुल गया सी, अगे तुसी देखे हुण बेगम साहबा ने खजूर ना किधरों कढ़ लिया ने खजूर आईया कितों ने, असी गए सी ना मिंटो फैमिली लबई तसावर उरांले ते ओह माशाला उमरा करन गए हुए सी ते माशाला अलहमदुलिल्लाह मदीने शरीफ दी खजूर आईया वेख ला किस मात है ना। हां ओह बेगम साहबा ने रखी हुई सी ते मैनू पता कुछ, मैंने कहा मैं खजूरा भुल गया ने क्या खजूर आपां ले पईआं हुईआं ने माशाला मदीने शरीफ दी माशाला खजूर नाल होवेगी जी रोज़ा खुलांगे अफतारी इनशाला। फैमिली च दो बंदे मेसन, एक अब्दुल्ला हादी सो रहा है और अब्दुल रहमान साहब इधर निकलिया रोज़ा। हाँ जी अफतारी का टाइम हो चुका है और बेगम साहबन दस दे बिल के उन्होंने सुन लिया होना तो दुआ मंगते पैन और मैं फिर हूँ बह के जी रोज़ अवतार करना और दुआ मंगने प्लेट खाली सी दंद सारे अगले कोई चलो जी साडी हसी खुशी नाल पहला रोज अवतार किया पठे वगैरा कुतर के मज नू पा दिते ने और बेगम साहबा हुण ना चाय वगैरा बनाऊगा, टाइम हो चुका जी 7 दा और माशाल्लाह अलहमदुलिल्लाह क्या बात है जी, माहे रमज़ान का चांद नज़र आ रहा अज, कल वेख्या को नहीं सी लेकिन अज माशाल्लाह साफ नज़र आ रहा है। की होया ए बच्चियां दे हाल ने, अग तुहानू पता है होनी सी जिहड़ा गाना बाली सी सारे खराब करके चला। हाँ। मैं आख्या मैं उत्ते लकड़ा लावांगी आग आसानी ना बाल जासी। तू पानी बीटे चुले बेच और कहने बीटे आप तो इलावा काम किसे दे अब्दुल वहाब ने बीटे। हाँ बस उन पट्ठे ही काम ने। अब्दुल वहाब ना बड़ा शरारती बहुत ज्यादा नुकसान करन लग गए, अगले दिन सुबह सुबह जेड़े है ना मैं तुम दिखाया को नहीं सी, बेगम साहबां की गलती आई मेरी गलती नहीं आई, मैं हाले तक समझ लो कि सो रहा सी जिस दिन पहले दिन बच्चे गए स्कूल,
इन्हें अल्फी जी ना अपने अल्फी जी है अल्फी वो वाली गूंद जी सारी इन्हें हत्थां ते सिट ली मिस्त्री ने लिया के रखी हुई इस तरह का बंदा जिहड़ा गा बेइतबारा कि अंदर जिहड़ा गा ना रंग वगैरह मिस्त्री करता पाया ना मैं तैनूं अगे भी दस रहा सी बेगम साहबां नूं मिस्त्री रंग करता पाया उन्हें तकरीबन मेरे ख्याल है सिपरेट 5 लीटर सिपरेट लिया के रखी है ओनू ही अग लग जाती है मिट्टी का तेल 2-2.5 लीटर पिया होया माचिस चा के अग ना लाई खड़ा हर शायद बेगम साहबां कहंदी स्कूल भेजिया करी मैं एक बार बच्चा ना मुकम्मल तौर फिर कला मां प्यो तो होना को 24 घंटे एक तो इन्हें रोया रोवेगा हाले तक लाडा जिहा साडा पुत्तर और दूसरी गल ये कि हाले तक मसलन वाशरूम वगैरह कला आराम सुकून हो गू के आ जाए ना उन्नी देर तक साल एक तकरीबन 3-4 साल का हो गया ना फिर स्कूल भेजा करना हूँ बिला वजह बिला वजह उन्होंने हाले हम फीसा ही देनिया ने आखी बजी मसें हूँ तेरी।